थैंक यू सो मच. आपका भी नाम बहुत स्पॉट है. सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जो आप इस एक्टिवेशन बैंक है, बहुत सारे कलेक्शन है, आपको कितना पसंद आया. ये मेरा दूसरा साल है कि मैं यहाँ आ रही हूँ एंड आई थिंक संध्या इज़ डूइंग वेरी वेल एंड शी इज़ वन डिज़ाइनर जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती है हर फैब्रिक पर. जितने भी मटेरियल वो यूज़ करती है और फैब्रिक्स यूज़ करती है, डिफरेंट कलर्स होते हैं इन द पैटर्न्स. आई थिंक दे आर वेरी ब्यूटीफुल. एथनिक के साथ साथ शी ऑल्सो हैज़ इंडो वेस्टर्न फैब्रिक्स. आई हैव कलेक्शन एंड ऑल्सो फॉर मेन्स वेयर विच इज़ अ ग्रेट थिंग. एंड आई थिंक बहुत कम ऐसा होता है कि मेन्स वेयर में भी एथनिक होते हैं. एंड आई एम वेयरिंग हर साड़ी. आई थिंक द फैब्रिक एंड द नेट एंड द सीक्वेंस वर्क इज़ डन सो beautifully. Even the combination of the colors are बहुत अच्छे हैं. तो मुझे लगता है कि जिस तरह के कलर कॉम्बिनेशन ये यूज़ करती है बहुत ही सूदिंग होते हैं और मौसम के हिसाब से भी होते हैं. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि विंटर्स हैं. बॉम्बे में उतने नहीं है लेकिन इट्स रियली नाइस कि मुझे ये कलेक्शन पहनने को मिला. आमतौर पर जब कोई भी आप कलेक्शन आप खरीद करते हैं किन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखती है? कि उसकी क्वालिटी बेटर हो एंड जिसके पास भी जाए वो पीस तो उनको मेरी डिज़ाइन पसंद आए. एंड आपके जो कलेक्शन है उसमें जैसे नीतू ने बताया इंडो वेस्टर्न. यस इंडो वेस्टर्न. यस मिक्सचर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें. जी तो किस तरह की कठिनाई होती है, किस तरह का प्रेफरेंसेस आप लेते हैं जब इस तरह के उसमें वर्क करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. एंड ऐसे तो डिज़ाइनर्स को तो फेस करने ही पड़ते हैं. एग्जीबिशन के बारे में बताइए. मतलब आज मेरा पहला दिन है यहाँ पे, फर्स्ट डे है मुंबई में. एंड आज नीतू जी हमारे पास आई हैं और अच्छा लगा बहुत कि वो हमारे एग्जीबिशन को देखने के लिए आए हैं. एंड देन आगे देखा जाए. मैं पिछले साल भी आई थी. पिछले साल भी. सो आई थिंक उनका कलेक्शन ही इतना खूबसूरत होता है. ख़ासकर ये बहुत ही मतलब एक साथ होके ये काम करते हैं. दिल्ली से आते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक दिल्ली से आके एग्जीबिशन करना इस पैमाने पर. तो आई थिंक शी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब. शी हर सेल्फ वो खुद ही इतनी अच्छी है एज अ पर्सन ऑल्सो कि जितना भी काम वो करती हैं वो सारा उसमें झलकता है. मुझे लगता है कि हर इंडियन लड़की साड़ी में सबसे अच्छी लगती है और मेरी पसंद भी साड़ी है. मैं चाहे कितने भी वेस्टर्न क्लोथ्स पहन लूँ या कुछ भी पहन लूँ लेकिन जब भी मैं साड़ी पहनती हूँ आई फील वेरी ब्यूटीफुल. ओके, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में हम जानना चाहेंगे. कौन से वाली? ग्रीक, इंग्लिश, थिएटर, हिंदी, व्हाट डू यू वांट टू नो? प्रोडक्शन. दो चीज़ें अभी ज़्यादा पॉपुलर है, एक तो डिजिटल प्लेटफॉर्म हो रहा है और दूसरा सिल्वर स्क्रीन. इन चीज़ों के बारे में बताइए. और साथ में टीवी जो प्लेटफॉर्म है उस पर भी क्या नज़र आने वाली है? आपके कोई प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं? वेल मैं प्रोडक्शन में भी हूँ. यू नो इस साल मुझे नेशनल अवार्ड मिला एज अ प्रोड्यूसर अपने भाई के साथ और मुझे बहुत खुशी है कि मैं प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया जिसका नाम है चंपारण टॉकीज़. इस साल दो हिंदी फिल्में हैं, अगले साल सॉरी दो हिंदी फिल्में हैं नाउ जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो मैं एज अ प्रोड्यूसर एक्टर हूँ इन द फिल्म. मैं हमेशा से चाहती थी कि एक मार्शल आर्ट्स फिल्म करूँ. तो ये एक मार्शल आर्ट्स फिल्म होगी जिसका नाम है लड़ाकू. और फाइनली हम लोग जो करना चाहते थे वो हो रहा है. दिस इज़ माय होम प्रोडक्शन. ये हिंदी में है. मैंने एक ग्रीक फिल्म किया है उसका नाम है ब्लॉक 12. इट्स वो डिजिटल प्लेटफॉर्म में रिलीज़ होने वाली है और अभी वो सारे फेस्टिवल्स में ट्रैवल कर रही है. एक और प्रोडक्शन है जो मेरे ही प्रोडक्शन हाउस का है, वो अभी शूटिंग चल रही है उसकी. और उमराव जान मैं प्ले करती हूँ. मैंने 70 परफॉर्मेंसेस कर लिया है उमराव जान का. विरेखा भारद्वाज डज द म्यूज़िक फॉर इट. एंड मैं उसमें 17 साल से लेकर 80 साल की लड़की का रोल प्ले करती हूँ. और अब उसका एक वर्ल्ड टूर होने वाला है जिसमें US और कैनेडा और UK ट्रैवल करेंगे हम अप्रैल मई जून. सो वो हम कर रहे हैं. काफ़ी है राइट? उमराव जान ठीक से बोलो नहीं तो रेखा जी बहुत मारेंगे. उमराव जान जॉनरा है, जो कैरेक्टर है काफी डिफरेंट है. अब मार्शल आर्ट की बात कर रही है तो सो मार्शल आर्ट्स की बात तो मैं बचपन से करती हूँ क्योंकि मैं ब्लैक बेल्ट 4th डैन हूँ. मैंने इंडिया रिप्रेजेंट किया है 3 बार. मैं 15 साल से टाइक्वांडो कर रही हूँ. मैं इस लास्ट के 3 साल से मैं आई एम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टाइक्वांडो ऑफ इंडिया. कोरियंस ने मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है टाइक्वांडो का. सो टाइक्वांडो तो आई एम मेड ऑफ स्पोर्ट्स. आई एम ऑल्सो द फेस ऑफ NBA बास्केटबॉल ऑफ इंडिया. लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं क्रेडिटेबल वर्क करूँ, क्वालिटी वर्क करूँ. हर चीज़ पेपर में आना और या हर चीज़ मीडिया में आना ज़रूरी नहीं होता. जब काम आएगा तो दिखेगा. ओके, तो
उसमें आप एक्ट भी करने वाली है, फीचर होने वाली है। किसमें? जो आप लड़ाकू की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं नहीं करूंगी तो फिर कौन करना चाहिए? आप प्लीज बताएं, थोड़ी हाईलाइट करें मुझे कि इंडिया में कौन सी एक्ट्रेस है जो मार्शल आर्ट्स करती है और थिएटर भी करती है, उसके पास एक मार्शल आर्ट्स फिल्म आएगी तो कोई और करेगा? तो मतलब दिस डजंट मेक सेंस एट ऑल। बहुत सारी लड़कियां हैं जो कुछ एक्शन नहीं करती लेकिन वो फिल्में करती रही, एक्शन फिल्म, बट डिड नॉट वर्क फॉर देम। सो आई थिंक इट्स हाई टाइम ऑडियंस बदल चुकी है, और अगर राइट कास्टिंग होती है तो फिल्म भी अच्छी चलती है।